स्टूडेंट्स टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक ऑफ डर्मेटोलॉजी विच इज़ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी हम उन इन्फेक्शन की बात करेंगे जिसकी मैनिफेस्टेशन ज़्यादातर कहाँ पे होती है हमें स्किन पे मिलती है सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इम्पटाइगो से इम्पटाइगो इज़ अ टाइप ऑफ सुपरफिशियल स्किन इन्फेक्शन यानी कि हमारे जो सुपरफिशियल लेयर्स होती हैं स्किन की ये उनको इन्वॉल्व करता है और ये हाईली कंटेजियस होते हैं, बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर सकते हैं कांटेक्ट की वजह से उसके बाद हमारे पास क्या होता है एम्पटाइगो की फ़र्दर ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंटेशन टू टाइप्स होती हैं एक हमारे पास होता है बुलस एम्पटाइगो द नेम इंडिकेट के इसमें हमारे पास बुलस फॉर्मेशन होती है बलास वगैरह बनते हैं और ये होता है किस वजह से ये स्टेफ्लोकोकस के एपीडर्मोलिटिक टॉक्सिन की वजह से होता है एपीडर्मोलिटिक टॉक्सिन करता क्या है एक हमारे पास सुपरफिशियल एपिडर्मिस लेयर में प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है डेस्मोग्लिन वन डेस्मोग्लिन वन एज अ डेस्मोसोम एक्ट करता है और इसका एडहेसिव फंक्शन होता है ये टॉक्सिन इस डेस्मोग्लिन को क्लेव कर देता है और इसकी क्लेवेज की वजह से क्या होता है कि सेल्स का जो एडहेसिव फंक्शन है वो लॉस हो जाता है और एपिडर्मिस जो है वो स्प्लिट हो जाती है जब एपिडर्मिस स्प्लिट हो जाती है तो वहाँ पे क्या होता है फ्लूड वगैरह एक्यूमुलेट होता है और इंटेक्ट ब्लिस्टर्स बन जाते हैं जो कि टू टू थ्री डेज तक परसिस्ट करते हैं इनकी मोस्ट कॉमन साइट की बात करें तो ये फेस फेस पे स्कैल्प पे और लिम्स पे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं लीजन जो है वो सिंगल भी हो सकती हैं और मल्टीपल भी हो सकती हैं और अगर मल्टीपल होती हैं ज़्यादातर उसके साथ जुड़ी हुई होती हैं कोलेस कर रही होती हैं अब हम इसकी डायग्नोसिस कैसे करेंगे हम क्या लेंगे वी कैन टेक बैक्टीरियल स्वैब्स कहाँ से लेंगे जो ब्लिस्टर है उसके फ्लूड से ले सकते हैं बैक्टीरियल स्वैब और अगर वो ब्लिस्टर रप्चर हो गया है तो लीजन जो है उससे ले सकते हैं लेकिन बिफोर ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट के बाद अगर स्वैब लेंगे तो रिज़ल्ट ठीक नहीं आएगा इसके अलावा ऐसे पेशेंट जो है वो ज़्यादातर स्टेफ्लोकोकल के नेज़ल कैरियर भी होते हैं तो नेज़ल स्वैब भी लेना चाहिए डायग्नोसिस के लिए दिस इज़ एन एग्ज़ैम्पल ऑफ बुलस एम्पटाइगो यहाँ देखिए इतने बड़े बड़े क्या बने हुए बुलास बने हुए और ये दूसरे मल्टीपल लीजर्स हैं एंड दे कोस विद ईच अदर इन कम्स नॉन बुलस इम्पटाइगो नॉन बुलस एम्पटाइगो किस वजह से हो सकता है इट कैन बी कॉज बाय स्टेफलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस इसमें कौन सा एज ग्रुप मोस्ट कॉमनली इफेक्टेड होता है यंग चिल्ड्रेंस जो हैं वो most commonly affected है वो मोस्ट कॉमनली इफेक्टेड होते हैं और कोई ना कोई प्री डिस्पोजिंग फैक्टर भी मौजूद होते हैं फॉर एग्जाम्पल कहीं पर कोई माइनर स्किन एब्रेशन है या फिर कोई दूसरी स्किन कंडीशन है लाइक एक्जिमा है कोई इन्फेस्टेशन है तो उस जगह पे ये नॉन बुलस इंपटाइगो होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इसमें हमारे पास क्या होते हैं वेजिकल्स बनते हैं जो कि बहुत ही थिन वॉल्ड होते हैं और वो आसानी से रपच्चर हो जाते हैं जब वो रपच्चर हो जाते हैं तो उसके अंदर के जो फ्लूड वगैरह होते हैं जो एक्जूडेट होता है वो उस सिक्रीशन सारी ड्राइड अप हो जाती हैं और ड्राइड होने के बाद वो कैसे दिखती हैं गोल्डन कलर की क्रस्ट फॉर्मेशन हो जाती है और बेस पे क्या होता है रेडनेस होता है एरमा होता है तो हम कहते हैं इट्स गोल्डन क्रस्टिंग ऑन एर्द बेस दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ नॉन बुलस एम्पटाइगो यहाँ पे बाद में जो गोल्डन क्रस्टिंग हो गई है वो दिखाई गई है नाउ हाउ वुड हाउ डू वी मैनेज दिस डिज़ीज़ सबसे पहले अगर डिजीज़ बहुत माइल्ड है और एक ही जगह पे लोकलाइज्ड है देन विल गिव टॉपिकल एजेंट्स फॉर एग्जाम्पल टॉपिकल म्यूपरोसिन दे देंगे या टॉपिकल फ्यूसिडिक एसिड दे देंगे लेकिन अगर जो है क्रस्ट क्रस्ट वगैरह बन गए इन्फेक्टेड क्रस्ट जब बन जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे उसके लिए टॉपिकल एंटीसेप्टिक सॉप एंड वाटर देंगे कि अच्छे से उन क्रस्ट वगैरह को साफ़ करें और रिमूव करें उसके बाद क्या है अगर तो हमारे पास नेज़ल स्वैप पॉजिटिव आ जाता है तो फिर हम म्यूप्रोसिन जो है वो नोस्टल्स में भी अप्लाई करते हैं उसके बाद क्या के अगर केसेस बहुत ज़्यादा सवियर हो जाएंगे तो फिर हम ओरली एंटीबायोटिक्स देना स्टार्ट करेंगे कौन सी एंटीबायोटिक देंगे फॉर एग्ज़ाम्पल फ़्लू क्लॉक्सिलिन एंड क्लरिद्रोमाइसिन उसके बाद अगर कहते हैं कि नेफ्रिटोजेनिक स्ट्रेप्टोकोका है तो किस चीज़ का रिस्क है ग्लोमेरो ग्लोमेरोनेफ्राइटिस का रिस्क जो है वो इंक्रीज हो जाता है तो लिहाजा तब भी हमें सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स देनी चाहिए ताकि कि कॉम्प्लिकेशन डेवलप ना हो जाए द नेक्स्ट इन्फेक्शन इज स्टेफ्लोकोकस कार्ल स्किन सिंड्रोम एज अ नेम इंडिकेट्स इट इज ऑल्सो कोज्ड बाई स्टेफ्लोकोकस बैक्टीरिया इसमें हमारे पास क्या होता है ये ज़्यादातर चिल्ड्रंस को और पर्टिकुलरली न्यूनीट्स को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं इस कंडीशन में हमारे पास सीरियस एक्सफोलिएशन होती है एक्सफोलिएशन हम कहते हैं रिमूविंग ऑफ द डेड स्किन पर यहाँ पे हमारे पास बहुत ज्यादा एक्सफोलिएशन हो रही होती है तो इट इज़ नोन एज सीरियस एक्सफोलिएटिंग कंडीशन मैंने कहा कि स्टेफ्लोकोकस की वजह से होता है स्टेफ्लोकोकस की किस टॉक्सिन की वजह से होता है इट इज़ फ्रॉम द सेम टॉक्सिन दैट इज़ प्रीवियसली कॉजिंग बुलस एम्पटाइगो विच इज़ एपीडेमोलिटिक टॉक्सिन तो एपीडर्मोलिटिक टॉक्सिन वहाँ पे क्या कर रहा था वही डेस्मोग्लिन को क्लेव कर रहा था तो यहाँ पे भी इसका यही फंक्शन है जब क्लेवेज होगा तो सेल्स जो है वो एडहीयर नहीं कर पाएंगे और स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सफोलिट करने लग जाएगी इसका साइट ऑफ साइट ऑफ इन्फेक्शन मोस्ट कॉमनली यही होता है कहीं पे कोई ट्रॉमा हुआ वहाँ पे होता है तो होता है अम्ब्लाइकल रीजन में होता है इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक में हो सकता है और नेजो पे दीज आर द साइट्स ऑफ इन्फेक्शन और इसके अलावा क्या कहते हैं कि क्या होता है कि जो ग्राउंड रीजन होता है जो एग्जरा होता है अराउंड द माउथ एरिथमा और रेडनेस स्टार्ट होती है इसके अलावा जो लार्ज एरियाज है वहाँ पे ब्लिस्टर्स वगैरह बनते हैं और इरोजन्स वगैरह होती हैं और साथ साथ पेशेंट को फीवर भी हो सकता है इरिटेबिलिटी हो सकती है और स्किन टेंडरनेस भी होती है देन कम्स डायग्नोसिस डायग्नोस कैसे करेंगे हम बैक्टीरियल स्वैब्स लेंगे कहाँ से लेंगे, लेंगे बैक्टीरियल स्वैब साइट ऑफ इन्फेक्शन से लेंगे इसके अलावा अगर हमें ये लग रहा है कि दूसरे फैमिली मेम्बर्स भी इफेक्टेड ना हो तो उनके भी नोस्ट्रल्स एक्सरा या ग्राउंड रीजन से क्या ले सकते हैं बैक्टीरियल स्वैब ले सकते हैं उसके बाद एक हमारे पास टेक्निक होती है स्किन स्निप स्किन स्निप में क्या होता है कि जो एक्सफोलिएट हो रही होती है स्किन जो पील हो रही होती है उसको सीजर से काट लेते हैं और देन उसकी टेस्टिंग वगैरह होती है तो उसमें हमें क्या दिखता है कि जो स्प्लिट है वो स्ट्रेटम कॉर्नियम से नीचे है वो पूरे एपिडर्मिस को इफ़ेक्ट नहीं कर रहा सो इट डिफ्रेंशिएट्स द स्टेफ्लोकोकल स्किन सिंड्रोम फ्रॉम टॉक्सिक एपिडर्मोलिटिक नेक्रोसिस इससे डिफ्रेंश करते हैं उसको देन कम्स ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट में हमारे पास क्या आ जाता है सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स आ जाती हैं दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टेफ्लोकोकल स्कार्लर स्किन सिंड्रोम यहाँ पे क्या हो रहा है देखें सुपरेश स्किन की पीलिंग वगैरह हो रही है देन कम्स टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम Toxic shock syndrome is also caused by staphylococcal toxin. Which toxin? Toxic uh, shock syndrome? Toxin hota hai, Staphylococcus ka uski toxic shock syndrome. Ho hai. And it is also associated with the tampon use. These are the symptoms of toxic shock syndrome, like headache, fever, confusion, sore throat, watery diarrhea.

दिट इस्पल ऑफ रैशेज विच आर प्रेजेंट इन द टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम केस यहाँ पे हमारे पास ये रेड रेड कलर के सन बर्न लाइक रैशेज प्रेजेंट होते हैं देन कम्स एक थायमा एक थायमा भी किस वजह से होता है स्टेफलोकोकस की वजह से हो सकते हैं या स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से होता है और इसकी लीजन कैसे होती है नीचे हमारे पास क्या होता है अल्सर फॉर्मेशन होती है और अल्सर के ऊपर क्या हो जाता है लाइक दिस like ये हमारे पास क्या नीचे अल्सर्स हैं और उसके ऊपर यहाँ पे हमारे पास क्या हो गई क्रस्ट फॉर्मेशन हो गई है दिस इज द करेक्टरिस्टिक लीजन विच इज प्रेजेंट इन एक थामा नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द इन्फेक्शन ऑफ द हेयर फॉलिकल्स हेयर फॉलिकल्स के इन्फेक्शन को हमने टू में डिवाइड किया है सुपरफिशियल एंड डीप हेयर फॉलिकल इन्फेक्शन को हम कहते हैं फॉलिकोलाइटस सो फर्स्ट स्टडी अबाउट सुपरफिशियल फॉलिकोलाइटस सुपरफिशियल फॉलिकोलाइटस इज डिफाइंड एज इन्फ्लेमेशन ऑफ द हेयर फॉलिकल विथ पस इन द ऑस्ट्रियम ऑफ द फॉलिकल इसका क्या मतलब है कि हेयर फॉलिकल की इन्फ्लेमेशन है और जहाँ जहाँ हमारे पास ओरिजिनेशन है जहाँ जहाँ ऑस्ट्रियम है वहाँ वहाँ हमारे पास क्या है पस बन गए सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सुपरफिशियल फॉलिकुलटस इसका कॉज हमारे पास क्या हो सकता है इन्फेक्शस कॉज होता है स्टेफ ओरियस जो ज़्यादातर बच्चों में होता है स्कैल्प और लिम्स में पाया जाता है ये फॉलिकुलाइटस और इसके अलावा स्टेराइल कॉज भी हो सकते हैं स्टेराइल कॉज जो है वो किसी फिज़िकल इंजरी की वजह से हो सकता है जैसे कि ट्रॉमा वगैरह हो गया या फिर केमिकल इंजरी की वजह से हो गया केमिकल इंजरी फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक मिनरल ऑयल इसमें लीजन्स कैसे बनते हैं इसमें हमारे पास वही मैंने आपको दिखाया भी पस्ट्यूज़ बने हर फॉलिकल पे उसे हम कहते हैं फॉलिकुलर पस्ट्यूज़ और बेस पे हमारे पास क्या होता है इरिदमा होता है रेडनेस होती है कम्स डीप डीप वॉलिकुलाइटर में सबसे पहले हमारे पास क्या आता है फरंकल आता है फरंकल भी किस वजह से होता है स्टेफ ओरियस के इन्फेक्शन की वजह से होता है इट्स एन ऑफ एक्यूट लेकिन इसमें साथ साथ नेक्रोसिस भी हो रही होती है फरंकल दिखता है कैसे इट इज़ लाइक दिस ये डीप सीटेड हमारे पास नोड्यूल होता है जो कि बहुत ज्यादा रेड होता है और बहुत ज्यादा टेंडर भी होता है अंकल को हम बॉयल भी बोलते हैं ये ज़्यादातर किन रीजल्स में प्रेजेंट होता है ये नेक्स पे बटक्स पे और एनोजनाइटल एरियाज में मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट होता है अच्छा इसका कॉज ये क्या होता है मैंने बताया था कि स्टेफ ओरियस तो कौन सा स्टेफोरियस अब वो पेशेंट जो बहुत ज़्यादा देर से उनके नोस्ट्रिल्स में वो जो क्रॉनिक कैरियर है कब से नोस्ट्रिल्स में उनका स्टेफोरियस पड़ा हुआ है और वो भी रेजिस्टेंट स्ट्रेन यानी कि जो मेथसरीन रेजिस्टेंट स्टैफ और होते हैं वो उसकी वजह से हमारे पास क्या हो सकता है फ्रंकल की डेवलपमेंट हो सकती है इसमें हमारे पास जो सिम्टम्स वगैरह होते हैं फीवर वग़ैरह ये बहुत माइल्ड होते हैं अच्छा लीजन की आप प्रोग्रेशन बताइए किस तरह प्रोग्रेस करते हैं लीजन सबसे पहले क्या होता है हमारे पास जो मैंने आपको नोड्यूल दिखाया वो नोड्यूल डेवलप हो जाता है फिर वो उसके अंदर पस वगैरह भरती है वो पस टूर हो जाता है और टेंडर हो जाता है और उसके बाद वो रप्चर कर जाता है और रप्चर करने के बाद उस अपनी पस वग़ैरह को डिस्चार्ज करता है वहाँ पर नेक्रोसिस हो जाती है और स्कार लीव कर देता है वहाँ पर ज़ख्म का निशान रह जाता है देन कम्स कार्बंकल कॉर्बंकल इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डीप फॉलिकोलाइटस ये भी स्टेफ और की वजह से होता है लेकिन ये डीपर इन्फेक्शन होता है और ये बहुत ज़्यादा कंटीज़स हेयर फॉलिकल्स को इन्वॉल्व करते हैं यानी कि एक जगह बहुत ज़्यादा ग्रुप ऑफ फॉलिकल्स हैं वो सब इन्वॉल्व हो जाते हैं दैन इट इज़ नोन एज़ कार्बंकल इसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा डीप इन्फ्लेमेशन होती है एज़ कम्पेयर टू फ्रंकल और ये ज़्यादातर उन पेशेंट्स में कॉमन जो इम्यूनो सप्रेसड होते हैं फॉर एग्जांपल डायबिटिक पेशेंट्स हो गए एच के पेशेंट्स हो गए इनमें हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स भी बहुत ज़्यादा सिवियर बहुत ज़्यादा फीवर वग़ैरह मिलता है मोस्ट कॉमन साइट ऑफ लीजेंस क्या होती है नेक पे शोल्डर्स और हिप्स वगैरह पे हो सकता है इसमें भी वही है कि जब ये डिस्चार्ज करेगा बाद में नेक्रोसिस हो जाएगी और वहाँ पे स्कारिंग हो जाएगी डायग्नोस कैसे करेंगे इन सब कंडीशंस को हम बैक्टीरियल स्वैब्स ले, ले लेंगे और जो रिस्पेक्टिव ट्रीटमेंट है फॉर एग्जाम्पल फ्लू क्लॉक फ्लू क्लॉक्सा सेलिन दे देंगे दे और अगर नोड्यूल वगैरह तो उसकी इंसीजन कर देंगे और ड्रेनेज कर देंगे कार्बंकल कैसा दिखता है दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बंकल ये देखिए मल्टीपल कंटेजियस हेयर फॉलिकल जो है वो एक साथ हमारे पास इन्वॉल्व हो जाते हैं नाउ वी आर गोइंग टू डू अनदर इन्फेक्शन सेलुलाइटस एंड एरीजी प्लेस इसको रिफाइन करने से पहले हम रिकॉल करेंगे कि हमने स्किन लेयर्स जो पड़ी थी दे आर थ्री मेन लेयर्स ऑफ द स्किन सबसे सुपरफिशियली हमारे पास क्या होती है एपिडर्मिस होती है देन कम्स डरमिस देन सबक्यूटेनियस लेयर इन्हीं लेयर्स को याद रखते हुए हमें इन दोनों का डिफरेंस याद रखना है कि व्हाट इज सेलुलाइटस एंड व्हाट इज इलिजी प्लेस जब हम बात करते हैं सेलुलइटस की तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है ये भी इन्फेक्शन होता है लेकिन ये किस रीजन का इन्फेक्शन होता है ये हमारे पास जो सब क्यूटेनियस लेर होती है उसको द लोअर मोस्ट लेयर सब क्यूटेनियस लेयर को और लोअर डर्मिस को इफ़ेक्ट करता है सेलुलाइटस जबकि जो हमारे पास इलेजी प्लेस होता है ये हमारे पास जो सुपरफिशियल एपिडर्मिस और जो अपर डर्मिस होता है ये उसको इन्वॉल्व करता है तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेलोलाइटस एंड एजीप्लाज दोबारा मैं बताती हूँ प्लास क्या करता है ये हमारे पास एपिडर्मिस और जो अपर डर्मिस है उसको इन्वॉल्व करता है जबकि सेलुलइटस जो है ये जो नीचे सबक्यूटेनियस लेयर होती है और अपर और लोअर डर्मिस इसको इन्वॉल्व करता है सेलुलइटस का इन्फेक्शन के बाद अगर हम लीजन्स की बात करें तो सेलोलाइटस के लीजन ज्यादातर जो है वो इफेक्ट करते हैं लेग्स को जबकि एजी प्लाज जो है वो मोस्ट कॉमनली फेस को इन्वॉल्व करता है फॉर एग्जाम्पल दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेलोलाइटस ये यहाँ पे जो है वो लेग पे सेलोलाइटस है लेकिन सेलोलाइटस की डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट क्या है कि इसमें जो लीजन के एजेस होते हैं वो इतने वेल well डिफाइंड नहीं होते एज़ कंपेयर टू एजी प्लाज दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इरीजीप्लाज और मैंने मोस्ट कॉमन क्या साइड बताई इसकी फेस और यहाँ पर हमारे पास देखें कि जो मार्जन्स हैं वो बहुत ज़्यादा वेल डिफाइंड हैं सो दिस इज़ एन अनदर डिफ्रेंशिंग पॉइंट बिटवीन सेलोलाइटस एंड एरीजी प्लाज इसके अलावा अगर सेलोलाइटस बहुत ज़्यादा सवियर हो जाएगा तो बुलाव वगैरह बन जाएंगे डर्मल नेक्रॉसिस हो जाएगी और इरीजिप्लास की बात करें तो इसमें जो है ब्लिस्टरिंग ज़्यादातर हो जाती है और इसके अलावा जब आ, उन ब्लिस्टर्स में क्या हो सकता है हेमरेज वगैरह भी हो सकता है ये सैरोट ए प्लास्ट का कॉज क्या होता है ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई की वजह से हो रहे होते हैं कोई तो इफेक्टेड साइट है अगर हम वहाँ से कल्चर्स लेंगे तो वहाँ से हमेशा हमें ज़्यादातर जो है वो नेगेटिव ही मिलेगा कल्चर तो हमें स्वैब्स जो है वो कहाँ से लेने चाहिए जहाँ पे एंट्री पॉइंट है इनका जो इन बैक्टीरियाज़ वग़ैरह का एंट्री पॉइंट क्या होता है ज़्यादातर जैसे ईयर इन्फेक्शन के थ्रू आ जाते हैं या कहीं पे वेरिकोज एक्जिमा है उसके थ्रू आ सकते हैं या टीनिया पेडिस है तो वहाँ पे भी स्किन बैरियर जो है वो डिस्टर्ब हुआ होता है वहाँ से आ सकते हैं तो अगर हम साइट ऑफ एंट्री से स्वैब्स लेंगे तो तब हमें कल्चर क्या मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा बाकी प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स वही डायबिटीज़ होते हैं एंड इम्यूनो सप्रेशन साथ साथ हमें वही सिम्टम्स मिलेंगे जो किसी भी इन्फेक्शन में मिल सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल मलेज फीवर ल्यूकोसाइटोसिस होगा स्ट्रेप्टोकोकस सिरोलॉजी करवाएंगे तो हमें वो पॉजिटिव मिलेगी एंटीबॉडीज़ हमें मिलेंगी स्ट्रेप्टोकोकस के ख़िलाफ़ इसके अलावा जहाँ इन्फेक्शन होगा वो जहाँ जिस लिम्फ नोड में ड्रेन कर रहा होगा वहाँ की हमें क्या मिलेगी लिम मिलेगी और इसके अलावा क्या कह रहे हैं कि जहाँ पे ये लीजन होता है वो साइड जो है वो पेनफुल और बहुत हॉट होती है इसके अलावा रेडनेस होता है वहाँ पे एडिमा हुआ हुआ होता है ब्लिस्टरिंग और नेक्रोसिस भी हो सकती है और हेमरेजिक भी हो सकता है उसके बाद ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्री इसके ट्रीटमेंट में हम आईवी वी फ्लू क्लॉक्सिलीन देंगे अभी तक हमने आईवी की बात नहीं की थी हम औरल सिस्टमिक ट्रीटमेंट की बात कर रहे थे या हम आईवी देंगे और किसके साथ देंगे कलरिद्रोमाइसिन के साथ दे सकते हैं या फिर क्लिंडा के साथ या फिर वेंकोमाइसिन के साथ लेकिन अगर डिजीज़ जो है उसका माइल्डर वेरिएंट है तो हमें ओरल एंटीबायोटिक से भी काम चला सकते हैं लेकिन अगर डिज़ीज़ को ट्रीट ना किया जाए तो क्या होता है कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाती हैं फॉर एग्ज़ाम्पल क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं लिम्फ एडिमा हो सकता है साइनस में थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो सकती है और सेप्सिस पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैल सकता है और इसके अलावा अगर का जो नेफ्रिटोजेनिक वेरिएंट है वो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी कॉज करवा सकता है Then जमा इज रेजमा को define कैसे करते हैं mild, chronic, localized, superficial skin infection। ये होता किस वजह से कॉरे बैक्टीरिया माइन की वजह से होता है ये बैक्टीरिया वैसे ही हमारे नॉर्मल स्किन फ्लोरा का पार्ट होता है मोस्ट कॉमन एरियाज ऑफ इन्वॉल्वमेंट क्या होते हैं फ्लेक्जर रीजन या फिर टो क्लैफ्स और प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या होते हैं वेदर कैसा वेदर वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट जो है वो प्री डिस्पोज करता है इर्द को दिस इज द लीजन ऑफ इर्दराजमा ये रेड ब्राउन हमारे पास स्केली स्केलीजन्स होते हैं जो कि फ्लेक्जर एरियाज को इन्वॉल्व करते हैं और ये माइल्डली इची भी होते हैं इसके अलावा अगर हम वुड्स लाइट में देखें तो हमें कैसा नज़र आता है ये पिंक फ्लोरसेंस नज़र आती है हमें वुड्स लाइट में तो ये हमारे पास क्या होता है ये डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है वुड्स लाइट इसमें अगर कोरल पिंक फ्लोरसेंस आ जाए इसका मतलब है कि टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ गया है और फिर हमें कोई स्वैप वगैरह या दूसरी और कोई डायग्नोसिस की ज़रूरत नहीं होती यानी कि स्किन स्क्रैपिंग वगैरह नहीं करनी होती अगर कोरल पिंक फ्लोरसेंस आ जाए कहाँ पे वुड स्लाइट में आ जाए लीजेंस कैसी होती हैं इची होती हैं रेड ब्राउन स्केली होती हैं फ्लैक्जल एरियाज़ को इन्वॉल्व करती हैं ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें हम टॉपिकल एजोल्स दे सकते हैं लाइक क्लोट्रीमाजोल एंड मिकोनाजोल और इसके अलावा फ्यूसिडिक एसिड अगर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट केसेस है तो औरल इरिथ्रोमाइसिन दे देंगे और अगर दोबारा दोबारा रिकरेंस हो रही है तो रिकरेंस को प्रिवेंट करने के लिए एंटीसेप्टिक्स भी दे सकते हैं देन कम्स पिटिट करैटोलाइस पिटिट करेटोलाइसिस जो है ये भी सुपरफिशियल स्किन इन्फेक्शन है जो कि कोरनी बैक्टीरियम या फिर स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से होता है ये इसमें हमारे पास क्या होता है जो सोल्स होते हैं वहाँ पे पिट्स बन जाती हैं सर्कुलर इरोजन्स बन जाते हैं दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पिटेड करेटोल करेटोलाइज ये देखिए पूरे सोल्स ऑफ द फुट पे हमारे पास सर्कुलर इरोजन्स जिन्हें हम पिट्स कहते हैं पूरे सोल को इन्वॉल्व कर रही हैं इसके अलावा इन पेशेंट्स में साथ साथ हाइपर हाइड्रोसिस भी होता है और जो ट्रीटमेंट है वो सेम इजमा वाली होती है डायग्नोसिस कैसे करते हैं स्किन स्क्रैपिंग के थ्रू So, here the topic of bacteria infections uh, which I have covered from Davidson have been completed. Uh, if you have any query, you can ask in the comment section. Allah us.